हमारे चैनल में अपन के स्वागत है। तो अपन के नाम का है, अपन सबसे पहले बताओ। मोर नाम घनश्याम जांगड़े है। हाँ, तो अपन यही के प्रॉपर रहने वाला हूँ। हाँ, तो हमला भैया जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं जो बरगद के पेड़ में, तो ओकर जानकारी अपन हमारा बता रहे थे हमारे दर्शक मन तक ये वीडियो पहुँच सके। ऐसे भैया लड़का मन घुमा भी से खेलते हैं। हाँ, तो मन देखी से तो अब लड़का मन बता नहीं गया मेरे भगवान शिवलिंग के है दिक्कत है वैसे। हाँ, सब अब आदमी मन देखल धरी नहीं थे भैया, तो अब देखा थे पूजा पाठ चला थे। हाँ, तो ये से करीबन कितना दिन हो गए? तो अभी पूजा पाठ चार दिन हो गए ना। तो ओला कौन कौन बच्चा देख रही थी कर यही की मेरे तो है नहीं है खेलने वाला बच्चा वही मैं खेलते गांव के लेके आया मन। हां हां वही मैंने देखे हैं। अच्छा, और मैं बताई नहीं गांव वाला मन सियान मन सब काम लेते देखल धरी नहीं पूजा पाठ चला भैया। हां, गांव का नाम है? तो गांव वाला का नाम है? गांव के पावन गांव पावन ना जिला कहाँ पड़ते हैं? जो शिवलिंग है जो छोटे आकार में इसने निकल के अपन कुछ टटोल वटोल के देखे होगा ना? देखे हम। हाँ, तो नहीं निकले से? हाँ। अच्छा, तो पेड़ से ही निकले? हाँ, वो पेड़ में है वो देखा थे भैया। हाँ, तो चलो भैया ठीक है ना, धन्यवाद अपमन के, यही जानकारी चाहिए रही सपमन। तो दोस्तों इसी पेड़ में जहाँ पे छोटा सा एक खोल के अंदर एक शिवलिंग जो निकला हुआ है वो अभी आपको दर्शन कराने वाले हैं। और देख सकते हैं इसको निकला हुआ 3 से 4 दिन हुआ है और यहाँ पर टेंट पंडाल लगा हुआ है और यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं वो दर्शन के लिए आ ही रहे हैं। और धीरे धीरे करके यहाँ पर भी जितने भी आसपास के और गांव जो लगे हुए हैं आसपास के वो भी यहाँ पर आएंगे और दर्शन भी करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं छोटा सा खोल है यहाँ पर, अभी आपको दिखाते हैं ऊपर में चढ़ के। और देख सकते हैं 2 दिन में अभी नारियल वगैरह सब चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे एक ग्रामीण है जो अभी आपको बात करके जो बताए हैं, तो चलते हैं ऊपर पे और दर्शन भी कराते हैं आपको। और ये ग्राम टिपावन में जो बरगद का पेड़ है उस पे यह शिवलिंग जो निकला हुआ है और ये बलौदा बाजार ज़िला बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है। तो देख सकते हैं इसी पेड़ के एक खोल है अंदर पे, उसी यहाँ पे छोटा सा एक शिवलिंग जो निकला हुआ है प्रकट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये है जो आप अभी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। छोटा सा है ये और छत्तीसगढ़ में हर जगह कहीं ना कहीं पे शिवलिंग जो निकलने का सिलसिला अभी भी चालू है। और देख सकते हैं यहाँ के जो ग्रामीण महिलाएं जो आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे दर्शन के लिए आसपास के गांव के लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। और ये शिवलिंग जो निकला हुआ है 4 से 5 दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, जो यहाँ के एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे खेलते खेलते देखा है, उसके बाद यहाँ पे जो श्यान है बुजुर्गों को बताया कि यहाँ पे एक ऐसा ऐसा निकला हुआ है शिवलिंग है ऐसे करके बताया, तो उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ करना चालू हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और रोड के जस्ट बगल पर है ये ग्राम टिपावन है, अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो लोकेशन के माध्यम से भी आ सकते हैं। देख सकते हैं काफी अच्छा खासा धीरे धीरे करके यहाँ पर भीड़ लगना चालू हो गया है। और फिर यहाँ पे नारियल वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं, दुकानें सब लगे हुए हैं और यहाँ पे नारियल भी चढ़ाया जा रहा है। और यह है छोटा सा निकला हुआ है शिवलिंग जो आप अभी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।